भरतपुर के पहाड़ी थाना इलाके में गेहूं के बदले रेप करने का मामला सामने आया है। इलाके में गेहूं कटाई का काम चल रहा था। पहाड़ी थाना क्षेत्र के एक गांव में 28 अप्रैल की दोपहर खेत में गेहूं काटने की मजदूरी लेने गए मालिक के घर पहुंचे मजदूर ने महिला के साथ रेप कर दिया। रेप के बाद आरोपी ने महिला से कहा कि वो इस घटना के बारे में किसी से कुछ न कहे, वो मजदूरी में मिलने वाला गेहूं छोड़ देगा। इस बारे में महिला ने कहा कि 29 अप्रैल की शाम को पहाड़ी थाना में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। लिखित शिकायत के मुताबिक महिला का पति हैदराबाद रहकर मशीन चलाने का काम करता है। घर में सास ससुर व पति के भाई रहते हैं। महिला ने बताया कि उनके खेत पर गेहूं की कटाई का काम चल रहा था, इसके लिए मजदूर लगा रखे थे। मजदूरों को कैश न देकर मजदूरी के बदले गेहूं देने की डील हुई थी। गांव का ही एक मजदूर 28 अप्रैल की दोपहर घर पर अपनी मजदूरी का गेहूं लेने आया। उस समय घर के सभी लोग खेत पर थे। महिला को घर में अकेला देख आरोपी ने उसे पकड़ लिया और जबरन रेप किया। रेप करने के बाद आरोपी ने कहा कि अब वो मजदूरी का गेहूं नहीं लेगा, लेकिन महिला को मुंह बंद रखना होगा। वही वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया। महिला ने इस बारे में अपने पति को फोन पर जानकारी दी। वहीं इस घटना से नाराज महिला की सास शाम को आरोपी के घर पहुंची और शिकायत करने लगी। इस पर उसके परिजनों ने पलटकर सास के साथ ही गाली गलौज कर दी। उन्होंने कहा कि जो बन पड़े कर लेना, हम किसी से नहीं डरते। 29 अप्रैल की शाम महिला थाने में पहुंचकर गांव के आरोपी मजदूर के खिलाफ रेप का मामला दर्ज करवाया है। और फिर कई काम में तो किसको टाइम ना लिया हुई मैं वास बाकी सामान फिर बुरो भलो करो फिर अपने घर में अकेली मैं घबरा गई। राजवाटिका विवाह घर सर्व सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओत प्रोत राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट तिलक शादी रिसेप्शन वेडिंग शूट जन्मदिन पार्टी जन्माशा सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन नेशनल हाईवे जूला मोड़ भुंडहा रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।